हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल RNL टेक पे। दोस्तों आज की वीडियो हमारी बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाली है, क्योंकि आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं एक नए एसर के लैपटॉप की, जो मैंने अपने ऑफलाइन स्टोर से ख़रीदा है। तो उसकी प्राइस तकरीबन है 45,000 के आसपास। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको एक एसर का लोगो भी मिल जाता है और ये बैग बहुत ही सॉफ्ट है और यहाँ पे आपको ये ट्रैवल में बहुत बढ़िया रहेगा। तो दोस्तों अब हम अनबॉक्सिंग करते हैं इस नए लैपटॉप की। तो आप देख सकते हो इसमें एक बॉक्स है और यहाँ पे आपको एसर एस्पायर का सेटअप गाइड का भी मिल जाता है, आप देख सकते हो। और अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ पे आपको ये एसर एस्पायर का ड्राइवर डीवीडी भी मिल जाता है और आपको ये एक विंडोज 10 का डीवीडी भी मिल जाता है। तो दोस्तों अब हम इसके बुकलेट को देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो इसका बुकलेट भी बहुत बढ़िया है। तो दोस्तों अब हम इसके चार्जर के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको एसर का लोगो भी मिल रहा होगा और ये बहुत बढ़िया चार्जर है। तो अब हम लैपटॉप की अनबॉक्सिंग करते हैं। तो यहाँ पे हम लैपटॉप को अनबॉक्स करने वाले हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको ये लैपटॉप की स्क्रीन दिख रही होगी। आपको ये मैंने पहले से इसे चालू करके रखा है, तो यहाँ पे मैं इसे ओपन कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक कैमरा भी मिल जाता है, आप देख सकते हो यहाँ पे आपको एक कैमरा भी मिल जाता है और उसके बाजू में आपको ये दो बटन भी मिल जाते हैं, जो आपको यहाँ पे लैपटॉप के यहाँ पे डिस्टेंस के लिए मिल जाते हैं। तो दोस्तों ये इसकी स्क्रीन है 200 डिग्री रोटेशन कर सकती है, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने इसे रोटेट करवाया है। और यहाँ पे आपको इंटेल का कोर i3 का प्रोसेसर भी मिल जाता है और एनवीडिया की 2GB की ग्राफिक्स मिल जाती है जो 940MX की है। और यहाँ पे आपको एक DDR4 के रैम भी मिल जाती है, उसके बाजू में आपको फास्टर वायरलेस का भी दे रखा है और यहाँ पे डुअल डिजिटल माइक का भी है। तो दोस्तों इसका टच पैड भी बहुत स्मूथ है और इसके टच कीबोर्ड भी बहुत स्मूथ है। और दोस्तों इसके यहाँ पे आपको एसर का एक लोगो भी मिल जाता है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक एसर का लोगो और उसके नीचे आपको एसर का सिम्बॉल भी मिल जाता है। तो दोस्तों आप इसके पीछे देख सकते हो यहाँ पे भी आपको एक एसर का लोगो भी मिल जाता है और उसके नीचे आपको यहाँ पे एसर मिल जाता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम इसके फीचर्स की। तो यहाँ पे आपको एक 4GB की रैम मिल जाती है और इसमें आपको एक 2GB की एनवीडिया की ग्राफिक्स मिल जाती है, इंटेल i3 का प्रोसेसर मिल जाता है, वो भी 7th generation का। तो दोस्तों ये बहुत बढ़िया लैपटॉप रहेगा। अगर आप थोड़ी सी गेमिंग करना चाहते हो और वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो तो आपके लिए ये लैपटॉप बहुत बढ़िया रहेगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस